अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं तो बस इस रेसिपी के बाद वो रोटी खाना बिल्कुल शुरू कर देने वाले हैं। तो यही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम रोटी से ही बनाने वाले हैं, तो आप इस तरह से कोई भी ताज़ी बासी रोटी ले सकते हैं। लंच बॉक्स में ले रहे हैं तो आप ताज़ी रोटी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश रोटी होती है ना, तो वो टूटती नहीं है। तो इस तरह से हमने इस तरह से रोल बनाकर इसको हमें अच्छे से काट लेना है, तो इसके हमें नूडल्स मिल जाएंगे, तो ये रोटी नूडल्स बन जाते हैं। और अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं और आपको उनको रोटी भी खिलाना है, हेल्दी भी देना है, तो आप इस तरह से उनको बनाकर दे भी देंगे और उनको पता भी नहीं चलने वाला है कि ये आपने उन्हें क्या बना कर दिया। और अगर आपके घर में बहुत सारी रोटियाँ भी बनी हुई हैं और आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस आप इस तरह से इनको बना कर देखिए, तो आप सारी रोटियाँ ख़त्म भी हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि शायद थोड़ी रोटी और होती। तो ये देखिए बढ़िया से रोटी के नूडल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो जितनी भी रोटियां हो आपके पास, आप इस तरह से इनको कट कर लें। अब एक पैन कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल, तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई मिर्च, साथ में डाल देंगे करी पत्ते जो कि ऑप्शनल है, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इनको अच्छी तरह से हम तड़क जाने देंगे, साथ में डाल देंगे दो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो सब्जी का ऑप्शनल आप अपने ऊपर कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को अच्छे से सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें कुक वगैरह नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का क्रंचीनेस रहनी चाहिए। शिमला मिर्च को खोने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो बारीक कटे टमाटर और इन्हें भी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। तो आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, साथ में इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस 2 चम्मच के लगभग, क्योंकि हम इसमें चाइनीज़ नूडल बनाने वाले हैं रोटियों का, इसलिए सारे सॉसेस डालेंगे। 1 छोटी चम्मच डाल दिया हमने यहाँ पर सोया सॉस, तो आप यहाँ पर विनेगर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और अच्छे से सॉस के साथ सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी हमारी, तब हम इसमें डाल देंगे रोटी नूडल्स। आप एक बार इन्हें बनाकर तो देखिए, आपको इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब लगने वाली है ना कि आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और अब रोटी के साथ सारे सॉसेस को हमें मिक्स कर देना है। और बहुत ज़्यादा कुकिंग प्रोसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस रोटियों को कट करना है, सब्जियों को सौते करना है सॉसेस के साथ में, और बस दोनों को मिक्स कर देना है और ये रोटी नूडल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडी सॉस नहीं पसंद, तो आप थोड़ी कम कम क्वांटिटी में सॉस डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया वैसे बनाएंगे ना, तो ये रोटी बहुत ही लाजवाब, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ठंडा लंच बॉक्स होने के बाद भी ये रोटी नूडल्स बहुत ही यम्मी लगता है बच्चों को। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करना है क्योंकि रोटियां भी हमारी सॉफ्ट होती हैं। और ये देखिए इस तरीके से रोटी का हमारा जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ही हेल्दी भी हो गया और खाने लायक भी हो गया। तो अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस तरीके से ये रोटी नूडल्स एक बार घर पर बना कर दे सकते हैं, बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए आज का हमारा लंच बॉक्स तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही यम्मी और रोटियों से बना हुआ है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की और आसान, टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी, बच्चों को पसंद आने वाला लंच बॉक्स की रेसिपी। इसे आप लंच बॉक्स में तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते या लंच बॉक्स को बनाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है 1 चम्मच ऑयल, तो आप कम ज़्यादा अपने क्वान्टिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है 1 कटोरी पानी और आधा कटोरी और लेंगे, तो मतलब 1.5 कटोरी के लगभग हमने पानी लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, तो आप अगर 1 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो 1.5 से 2 कटोरी के लगभग पानी डाल दें। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाए, तब हम इसमें चावल का आटा जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इसी में हम साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, जिससे कि बाद में ये बिल्कुल भी फीका ना लगे।
और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कंटिन्यूसली, जिससे कि कोई भी लम्स या गुठली ना पड़े। तो ये देखिए थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देंगे और इसको कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप इसको 10 मिनट के अंदर ही बना लेंगे, क्योंकि इसको जल्दी से मिक्स करना है, बस इतना ही हमको इसमें काम करना है। तो चावल के आटे को, पानी और नमक को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा देना है। तो बहुत कम पानी नहीं डालना है हमको, नहीं तो क्या होगा कि इसकी लम्स या फिर गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि एक डो जैसे ना बन जाए। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम एक डो जैसे बन गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अभी ये गर्म है और हमें गर्म गर्म में ही इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो आप हाथों से चाहे एक बार और मिक्स कर लें, हाथों में पानी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें, पानी से ये ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। और अब हम इसके जैसे छोटे छोटे पास्ते वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो ये चावल के आटे के बने हुए बहुत ही टेस्टी से पास्ता हमारे घर पर बन जाएंगे। सिंपल से एकदम छोटी सी लोई लेनी है, इस तरह से बॉल बनानी है और हाथों से हमें इसमें एक डिप बना देनी है, मतलब प्रेस कर देना है ये। तो इस तरीके से इसमें एक शेप बन जाएगा। आप इसे चाहे तो नूडल्स जैसे बना सकते हैं या फिर अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो बस हल्का सा पानी लगा लें और एकदम छोटी सी बॉल ले लें और इसमें हमें एक डिप लगा देनी है बस। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे टेस्टी से पास्ते बन जाएंगे, जो कि चावल के आटे के बने होंगे और घर पर बने होंगे, तो ये हेल्दी भी हैं। इस तरीके से सारी बॉल्स हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम इस तरह से एक छन्नी लगा देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, स्टीम हो जाए, पानी बढ़िया से उबलने लगे, तब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसमें हमने सारे पास्ते जो बनाकर रखे हुए ना, वो सारे इसमें लगा देंगे। और इसको केवल 10 मिनट के लिए हमें कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, तब आप इन्हें पहले से बनाकर रख लें और जब बस तड़का लगाना हो तब आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी ये 10 मिनट के अंदर स्टीम हो जाते हैं। आप हाथों से टच करेंगे ना, स्टिक नहीं लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें एक बढ़िया सा तड़का देने के लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे चॉप की हुई एक ग्रीन चिली, तो आप अब बच्चों के हिसाब से ले सकते हैं। करी लीव्स डाल देंगे जो कि ऑप्शनल है, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। साथ में एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी हमने डाल दी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करना है हमको। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप ऑयल थोड़ा कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने एक बारीक चॉप टमाटर ले लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपने अनुसार प्याज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, जो वेजिस आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें कुक कर लेना है। जब टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। आप यहाँ पर हर तरह के सॉसेस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से काफ़ी बढ़िया सा सॉस लगता है। और आप ये ना सोचें कि इसमें बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी सा हो गया है। जब आप इसे लंच बॉक्स में रखेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब ये लिक्विड जो है बहुत अच्छे से इसमें लिपटा रहता है और बढ़िया सा स्वाद देता है। सॉसेस तैयार होने के बाद हमने इसमें डाल दिया हमारे स्टीम किए हुए पास्ते। तो मार्केट से पास्ता तो हम हमेशा बनाते ही हैं, लेकिन बच्चों को अगर आप इस तरह से बनाकर देंगे ना, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। सारा प्रोसेस हमने हाई फ्लेम पर किया है, तो आप अपने हिसाब से फ्लेम बढ़ा घटा सकते हैं। और इसको अच्छे से हम कुक होने देंगे 2 मिनट के लिए। लास्ट में थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इससे थोड़ा देखने में और भी लुकवाइज लगता है। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये जो लंच बॉक्स है ना, अगर आप बच्चों को देंगे तो उन्हें तो बहुत पसंद आता ही है, लेकिन अगर आपने भी एक बार इसे बनाकर खा लिया ना, तो आप बाहर के सारे पास्ते भूल जाएंगे और इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पास्ता तो बनाया ही है, साथ में मैंने रखा है केले की चिप्स। आप इसकी जगह पर और कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इस तरह से हमने ये पास्ता को भी असेंबल कर दिया है।
तो झटपट से बनने वाला ये लंच बॉक्स है जो बच्चों को पसंद आता है, बनाने में आसान है और घर में रखे हुए एक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी थोड़ी सी भी कहीं पर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे लंच बॉक्स रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं डेली ही डालती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल सके। मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी बनाना है कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी सा लंच बॉक्स और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये लंच बॉक्स देखने के बाद आपका सारा सवाल हल होने वाला है। अगर आपके पास रखी हुई है लेफ्ट ओवर इडली या फिर आपने इडली बनाई हुई है और बच्चों को सीधी सादी इडली नहीं पसंद आती है तो इस तरह से आप इन्हें छोटा छोटा चॉप कर लें। ये आप लेफ़्ट ओवर इडली के साथ भी बना सकते हैं और फ्रेश इडली के साथ भी। ये इडली मैंने चना दाल से बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये चने दाल की बनी हुई इडलियाँ हैं जो कि लेफ़्ट ओवर हैं, तो मैंने इनको एकदम छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो एक के दो भाग भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। सारी इडलियों को मैंने इस तरह से छोटे छोटे भाग में कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई के दाने, साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। दोनों को अच्छे से तड़कने के बाद डाल देंगे 2 चॉप की हुई हमने हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे करी लीव्स। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से भूनना है। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा लाल वगैरह नहीं करना है हमको। गैस का मीडियम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब प्याज हमारी हल्की सी भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो सब्जियां आप यहां पर अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैंने टमाटर बारीक चॉप करके लिया है, इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे लंच बॉक्स के साथ साथ ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं या फिर जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो ये देखिए प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर बिल्कुल 1-2 पिंच के लगभग। आप इसमें अपने मन अनुसार कोई भी मसाले स्पाइसेस डाल सकते हैं। अगर आप इसमें अपने मनपसंद कोई सब्ज़ी वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। इसे डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है और इसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। टोमेटो केचप को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी जो हमने इडलियाँ कट करके रखी थी ना वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ में। अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, बस सारी चीज़ें मिक्स करना है और हल्का सा भूनना है बस। इतना यमी, इतना टेस्टी ये तड़का इसमें लगता है ना कि हर बार आप इस तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को इस तरह से वेजिटेबल्स वाली इडलियाँ बहुत ही पसंद आती हैं और अगर आप उन्हें लंच बॉक्स में भी देते हैं ना तो जब ये ठंडा भी हो जाता है तब भी ये बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये देखिए सारी बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दी हैं, बहुत ही बढ़िया सा इसमें एक फ्लेवर आ गया, टेस्ट आ गया और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है। लास्ट में इसके ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया और बस ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म खाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर जब भी आपका मन करता है कुछ चटपटा खाने का तब आप इसे बना सकते हैं। तो अब की बार जब भी इडलियाँ बने ना तब आप इस तरह से एक बार तड़का लगाकर ज़रूर रखिएगा, तो देखिएगा आपको बाकी की इडलियों से ये वाली इडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो मैंने इन्हें पैक कर दिया है लंच बॉक्स में, आप इन्हें चाहें तो सॉस के साथ भी दे सकते हैं या फिर आप इसी तरह से पैक कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट पर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई या नहीं और अगर बनाई तो आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लंच बॉक्स टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है बेसिक से इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लौकी ली है, तो मैं यहाँ पर इसकी 1/2 लौकी इस्तेमाल करने वाली हूँ।
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम छील कर अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौकी को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। तो थोड़ी पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करें, बहुत मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट ना करें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। तो यहाँ पर मैंने लौकी का पानी नहीं निकाला है, लौकी का पानी के साथ में ही हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसका एक बैटर सा बनाना है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी लौकी को निचोड़े वगैरह नहीं, सिंपल सा हमें इसमें पानी भी ऐड करना है क्योंकि हम इसका एक बैटर जैसा बनाएंगे। बच्चों को लौकी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होती है, और अगर आप उन्हें लौकी की सब्जी रोटी बनाकर देने वाले हैं तो ऐसा लंच बॉक्स वापस ही आपको मिलेगा। लेकिन हमें कुछ हेल्दी भी देना है, कुछ टेस्टी भी देना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाला है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में हमें नहीं करना है क्योंकि लौकी जो है वो अपना पानी अपने आप ही छोड़ेगी। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी को रखें थिक साइड में। ये देखिए बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसमें अभी नमक वगैरह डलेगा तो थोड़ा पानी और रिड्यूस होगा। तो बस बैटर हमें इतना ही बनाना है और अच्छे से फेंट लेना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और चिली फ्लेक्स 1/2 छोटी चम्मच के लगभग हमने चिली फ्लेक्स ली है। आप चाहे तो चॉप करके यहाँ पर ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ और चिली फ्लेक्स बहुत तीखी नहीं होती, बस उसमें से एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो बैटर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो इसमें इनो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ये नाश्ता ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको और सॉफ्ट साइड में बनाना है तो आप चाहे तो थोड़ा बहुत इनो 1/2 छोटी चम्मच या फिर सोडा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये अपम पैन ले लिया है, इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। आप घी या फिर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें हमारा ये जो बैटर है ना वो इसको पोर कर देंगे। आप चाहें तो बीच बीच में इसमें चीज़ क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर केवल लौकी का इस्तेमाल किया है, इसके साथ में आप और भी सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये पूरा टोटली आपके ऊपर है। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनते भी हैं, इसमें लौकी भी है और बेसन भी बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पर ढक दिया था, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये फूल गया है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे, जहाँ जहाँ अभी कुक नहीं हुआ है फिर से ढक देंगे और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। इसको बनाने में 5 से 6 मिनट ही लगता है। पूरा बैटर वैटर वगैरह तैयार करते करते आपको 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय इस नाश्ते को बनाने में नहीं लगता। तो यदि सुबह सुबह आपको कुछ समझ में ना हो आ रहा हो, बच्चों को कुछ हेल्दी देना हो, तो आप इस तरह से नाश्ता बना सकते हैं। बैटर आप पहले से भी बना कर रख सकते हैं। तो मैंने इसे दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से देखिए सेक लिया है, जहाँ जहाँ मेरे रह गए थे वहाँ मैंने फिर से ढक दिया था, और ये बहुत ही ईजिली टर्न भी हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा ही ये देखिए टर्न हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4-5 मिनट के अंदर ये सारा अच्छे से बना लिया है। अब आप इसे बाहर निकाल लें, आप बच्चों को इसे सॉस के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ या फिर दही के साथ भी दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हेल्दी सा हमारा बहुत ही कम तेल में बनने वाला लंच बॉक्स हो चुका है तैयार। इस तरह के लंच बॉक्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, साथ ही ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही यमी लगते हैं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बच्चों के लंच बॉक्स पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के और भी टेस्टी और अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर